नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम रिव्यू करने वाले 2020 डिजायर का ओनरशिप रिव्यू करेंगे और आप सबसे शेयर करेंगे इसके ऑनेस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि आपकी जो कन्फ्यूजन है नई गाड़ी खरीदने के मामले में उसको दूर किया जाए और आपकी हर डिमांड को पूरा किया जाए। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ है नवीन जी, जिन्होंने डिजायर 2020 खरीदी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नवीन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। और तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा वेरिएंट है और आपको कितना कितने का पड़ा? ये 2020 है मॉडल है, और ये करीब मेरे को 7,80,000 रुपए की पड़ी है। ओके, यही सिरसा हरियाणा से ही खरीदी आपने? हाँ, सिरसा हरियाणा से ही, डब्बाली से। ओके, रोड से, डब्बा रोड से। ओके ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा से और मारुति की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारी तरह अगर थ्रू आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। तो सर, अब ये बताइए कि आपने कुछ और गाड़ियां भी ट्राई करी होंगी जैसे जब ये गाड़ी खरीदने लगे थे, तो कौन कौन सी गाड़ी आपने और देखी थी, चेक करी थी इस गाड़ी को खरीदने से पहले? इस गाड़ी से पहले तो एस्प्रेसो प्लस जो वो मैं ले ही आया था, ले ली थी मैंने। ओके, करीब 5 लाख रुपए की गाड़ी है वो, 5 लाख की गाड़ी ली थी मैंने, वो 20 दिन चलाई है गाड़ी। तो फिर 2 महीने खड़ी रही है यहाँ, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी ज्यादा, ज्यादा अच्छी नहीं लगी रहने के कारण, क्योंकि जैसे पहाड़ी एरिया मुझे लगा कि ये काम नहीं देगी वहाँ पे। ओके, तो इसलिए मैंने उसको कंपनी को ही वापिस कर दिया, जिसमें करीब मुझे 70,000 रुपए या 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये मॉडल पसंद किया जो मेरे को बहुत बेटर लगा। ये गाड़ी लेने के बाद मैं अभी हम बाहर गए थे घूमने के लिए, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, हमीरपुर उधर साइड में पहाड़ों में, तो ये गाड़ी लेके गया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी, बहुत बढ़िया लगी। ओके, तो पहाड़ों में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आया पूरा चलाने में? हाँ, ये गाड़ी चलाने में पूरा मजा आया, मतलब उस में जैसे कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को, क्योंकि वो एक तो 1000 cc इंजन है छोटा, मैंने छोटी गाड़ी चलाई भी नहीं है, और एक वहाँ तीखे पहाड़ है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं सोच रहा था कुछ बड़ी गाड़ी लेने की। तो मतलब ये मैंने जब गाड़ी देखी तो मेरे को अच्छी लगी, उसके फीचर मेरे को काफी कुछ ऐसे अलग हैं, एडवांस भी हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, अच्छे आए लगे, तो मैंने ये गाड़ी उसी टाइम खरीद ली। तो पहाड़ों पे जब आपने गाड़ी चलाई तो आपको पावर की या पिकअप की कभी कमी तो नहीं लगी कि थोड़ी और पावर होनी चाहिए थी, या मतलब गाड़ी पीछे हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा इस गाड़ी में, मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी। तो आपने ये गाड़ी फैमिली के साथ ड्राइव करी होगी, कभी ऐसा लगा कि ओवरटेकिंग में पूरी उठ नहीं रही गाड़ी? नहीं, ऐसा एक बार मेरे को थोड़ा महसूस हुआ, क्योंकि पहले इससे पहले ना मैंने एक बार i20 चलाई थी, तो मैं जाते वक्त लुधियाना से फगवाड़ा रोड पे मैंने एक क्रॉसिंग की, तो उस टाइम मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि ऐसा लगा। फिर ये एक ये भी था कि वो टॉप में था, टॉप में जाते हुए फिर मैंने तीसरे गियर में गाड़ी डाल दी, तो फिर थोड़ी उस वजह से बाद में मुझे लगा कि ये इस वजह से हो रही है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही है। ओके, और बात करें हाई स्पीड भी, आपने 100+ पे भी गाड़ी चलाई होगी, तो कभी ऐसा लगा कि गाड़ी जम के नहीं चल रही, या उतनी स्टेबल, उतनी जम के नहीं चल रही गाड़ी, उतना मजा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये गाड़ी 120-130 पे चलाई है, 120-130 पे मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मैं गाड़ी मैंने की जो स्पीड है ओवर है। मतलब कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जब हम गाड़ी को चलाते हैं, जैसे हम गाड़ी 80 की स्पीड पे चला दें तो उसको बढ़ाएंगे 100 कर देते हैं या 110 कर देते हैं, तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली गाड़ी बताती है कि हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो इसने मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, जैसे 100 पे चला रहे हैं, 100 को 120 पे कर दिया तो गाड़ी महसूस नहीं होने देती कि गाड़ी को स्पीड को 120 पे बढ़ा दिया है। Okay. ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। ओके, बढ़िया। और आपको माइलेज क्या मिल रही है गाड़ी से? माइलेज करीब 15 की दे रही। ओके, 15 सिटी प्लस हाईवे कहीं भी 15 मिल रही है? हाँ, 15-16 भी आ रही है, कोई 14 भी आती है कहीं। हाँ, वो उस हिसाब से, अब जैसे पहाड़ों में तो कम है, वहाँ बहुत कम मिली है,
कहीं ज्यादा भी मिल जाती है। हाँ, पहाड़ों पे तो ज्यादा पावर की भी जरूरत होती है और पिकअप सब कुछ ज्यादा लगता है। गियर भी दूसरे गियर, पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलती है, दूसरे तीसरे गियर में चलते, तो इतने में 14-15 तो नहीं देगी उसमें, 14-15 दिन देते उसमें। ओके, और हम बात करें स्पेस की, आपको गाड़ी में स्पेस कैसा लगा? हाँ, स्पेस बहुत अच्छा है। इंजन नॉइस वगैरह कैसे लगता है? इंजन नॉइस अंदर आती है गाड़ी में, इंजन की आवाज आती नहीं, है? नहीं, इसमें कोई ऐसी कुछ आवाज नहीं आती। ओके, और यहाँ बात करें ड्राइविंग की, तो आपको कभी ऐसा लगा कि गियर जो है वो अड़ते हैं या पूरी स्मूथ अच्छे से गाड़ी नहीं चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जस्ट थोड़ा बहुत कई बार गियर जैसे डालते हैं तो थोड़ा सा ऐसा खुद को महसूस होता है जो गाड़ी चला रहा है, जैसे हम गियर डालते हैं हमारे को खुद को महसूस होगा, हमारे साथ बैठे वाले को ये महसूस नहीं होगा कि गियर ने आवाज की है। ओके, जो चला रहा है उसको लगेगा जैसे ये खिंच के थोड़ा गियर डाला हुआ है, तो हल्की फुल्की। आपका एस्प्रेसो में ऐसा नहीं लगता? एस्प्रेसो में ऐसा नहीं लगता था। और जैसे कि आपके ट्रिप्स रहते हैं तो आपको कभी ऐसा लगता है कि सीट जो है उतनी कंफर्टेबल नहीं है, आप थक जाते हो, थकावट हो जाती है, मतलब कंफर्टेबल उतनी नहीं है सीट्स, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं बोलता, मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। मैं यहाँ से चिंतपूर्णी गया था, तो यहाँ से करीब मैं 12 बजे निकला था दिन में, और मैं चिंतपूर्णी तक हमने रास्ते में बस एक चाय पी, एक खाना खाया, उसके बाद हम चिंतपूर्णी चले गए। और इतना सफर करने के बाद मुझे ये नहीं लगा जाके कि होटल में मुझे सोना है, जैसे कोई मैं पहले गाड़ी दूसरी लेके गया, एक बार तो आल्टो लेके गया था, मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे इतना महसूस होगा कि मैं थक गया हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। जाते अच्छा। ही मुझे होटल में रूम लिया और मैं सो गया। अच्छा, मैंने कहा यार, मैडम कह रहे चलो हम जाते हैं माता के दरबार में, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा आज, मुझे मत बुलाओ मत, मुझे सोने दो, तो मैं कल सुबह ही जाऊंगा। अच्छा, और मुझे लग रहा था ऐसा कि शायद होशियारपुर के बाद जो पहाड़ियां आएंगी, बहुत ज्यादा पहाड़ियां हैं, तो ऐसा महसूस होगा, तो बट नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस मेरे को नहीं हुआ। मतलब आपको अंदर से गाड़ी कैसी लगी? अंदर से गाड़ी देखो, आप भी देख रहे हो, बहुत अच्छी लगी मेरे को तो। अच्छा, इंटीरियर वगैरह भी अच्छा लगे इसके, देखो जो शाइन कलर है इसके, मैचिंग जैसे कर रखे हैं, तो ये अच्छी चीज लगी, प्यारी चीज लगी मेरे को। और आपको एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? एसी कैसा लगा कि जल्दी ठंडी हो जाती है गाड़ी? जी बिल्कुल, जल्दी ठंडी हो जाती है, एसी भी बेटर है, और सबसे बेटर बात यह है कि डबल एसी मिल जाता है इसमें मेरे को, तो जो मेरे पीछे मेरे मतलब फैमिली बैठी है, तो मेरे को उनके लिए भी मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि यार जैसे पहले एसी धीरे धीरे काम करेगा, लास्ट तक जाएगा, तो अब डबल एसी होने की वजह से महसूस नहीं होता, साथ के साथ गाड़ी ठंडी हो जाती है। और आपको झटके वगैरह कैसे लगते हैं गाड़ी में? ऐसा लगता है कि झटके ज्यादा, खड्डे ज्यादा महसूस हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा झटके महसूस नहीं होते। अगर ज्यादा कोई हैवी खड्डा होगा तो खड्डा महसूस होता है, वैसे नॉर्मल थोड़ा बहुत हो तो कोई नहीं, चल जाता है। अच्छा सर, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाड़ी में? सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर, ये अच्छी लगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज्वाला जी से पीर नगाया जा रहा था, तो वहाँ रास्ता जो है छोटा है, तो एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी के लिए इधर एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, तो पूरा मतलब देखना पड़ता है सीट साइड देने के लिए। तो जी जो शीशे हैं इसके, दूसरी गाड़ी के हैं, जो डिजायर जो स्विफ्ट के हैं, उसके हाथ से हमें बंद करने पड़ते हैं, तो जैसे वो एक गाड़ी आ रही थी और मैंने उसको साइड देनी थी, तो मैंने ये ओनली बटन दबाया और शीशे अपने आप जो बंद हो गए, तो उसकी वजह से इस पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ा। अगर शीशे अगर उस टाइम खुले होते तो इस पे स्क्रैच आ सकता था। ये सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को, ये सबसे अच्छा फीचर लगा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कि दोनों अपने आप अंदर बैठे, मेरे को हाथ बाहर भी नहीं निकालना पड़ा, रिस्क भी नहीं है ना, हाथ भी सेफ और शीशे भी सेफ। ओके, आपको कमी कहीं लगी गाड़ी में? गाड़ी में एक कमी लगी मेरे को, जब अगर कंपनी के हिसाब से मेरे को 20 की माइलेज मिल जाती है तो ये सोने पे सुहागा है, बस इसकी माइलेज की थोड़ी कमी है जो कम दे दी है, 15-16 दे दी है। बाकी हाँ, जो कंपनी जो बता दी है जिस स्पीड पे हमने चलाना है, जिस गियर में हमने चलाना है, उनको अगर फॉलो करते हैं तो शायद दे, हम उनको फॉलो कर नहीं सकते। मैंने नहीं किया, मैं आपको बताऊं, अगर कोई अगर फॉलो उनको करना चाहे तो शायद उसका उनको अच्छी माइलेज मिल जाए। तो यहाँ पे एक चीज आप जरूर ट्राई कर सकते हैं कि जैसे कि जो आरपीएम है 2000 से अगर नीचे पे अगर आप चलाएंगे तो आपको शायद बेस्ट माइलेज है वो मिल जाएगी गाड़ी की। जी बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगा। तो आप ओवरऑल पूरे खुश है गाड़ी से, सेटिस्फाइड है? हाँ, मैं खुश हूँ।
और आपको गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी, मतलब गाड़ी का स्ट्रक्चर वगैरह आपको कैसा स्ट्रॉन्ग लगता है या लगता है कि थोड़ा हल्का? ठीक है वैसे, मगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हल्का भी नहीं है। ओके चलो ठीक है, तो ये था एक डिजायर का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।